हाँ देखा था मैंने आपका वीडियो। हाँ मैंने भी सुना है, कहते हैं वीडियो वायरल है। अन्नू है ना आपका नाम? अन्नू। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या बेच रहे हैं आप यहाँ? अच्छा, ये कितने का है? 40 का है? 40 का है? 40 का। अच्छा अच्छा, ये और ये। ओके, और बाकी सामान बिक गया? अच्छा, फ्री कितने बजे होते आप? 5 बजे तक। अच्छा, घर यहीं पे है आपके? अच्छा, धर्मशाला में। सब बढ़िया, आप घूमने आए हो यहाँ पे? कुल्लू से हूँ मैं, कुल्लू मनाली। हाँ जी, गए हो वहाँ पे? नहीं, जाना है? हाँ चलना कभी है। मेरा नाम राकेश है ना, मेरा भी चैनल है इसमें यूट्यूब में। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। हाय बोल दो गाइस को। हन्नू है यहाँ पे, तो मुझे कुछ दे दो। क्या 40 का है ना एक? एक दे दो, एक पीस मुझे। अच्छा ले लो। अच्छा ठीक है ठीक है, ले लो। और सोनू कैसे हो? तो आज कितना स्ट्रॉबेरी बेचा? दो डब्बे बेचिए। चार लेके आया था, दो डब्बे। अच्छा दो डब्बे बेच दिए? अच्छा, चार डब्बा ही लाया था आज? दो लाए थे। अच्छा, और मूंगफली कितनी बेची? मूंगफली कितना बेचा? ये वाला पता नहीं, एक फुल लाया था ना? अच्छा, ये पूरा भर के लाया था। 50 रुपए का एक पैकेट देता है। हाँ जी, और हर कोई इससे नो बार्गेनिंग, इसको पैसे दे के जाए। और घर पे कौन कौन है आपके? मम्मी पापा। हाँ जी, भैया भाभी। खुद की है शादी? तुम्हारी शादी है? लाड़ी है? हाँ शादी की है। अच्छा, बच्चे कितने हैं तेरे? एक बच्चा है। लड़का है या लड़की? लड़की। लड़की। अच्छा लड़की है आपकी। लड़की के लिए ये मेहनत कर रहा है, परिवार के लिए बहुत अच्छा। अभी अब बच्चे को पढ़ा रहा है। लड़की कितने साल की हो गई? 5 साल की होगी। 5 ईयर्स। लगभग 7 साल आपकी शादी की हो गई सोनू? 7 हो गई। अच्छा, कुल्लू मनाली जाना है आपने घूमने? हाँ, हर जगह जाता है। नहीं अभी और? अभी गए नहीं, पर जाना है कुल्लू मनाली। नहीं, जैसे हर साल जाता है घूमने जाते, ये बात नहीं है। ये आपने यहीं से मैक्लोडगंज के नीचे इनकी मकान हुई? हाँ जी हाँ जी। और ये अपने घर से मतलब हैंडीक्राफ्ट होते हुए भी? हाँ जी हाँ जी। इनकी एक आकांक्षा है? हाँ जी, कि मुझे मेहनत करके इस मृत्युलोक में आए हैं, तो हमें हाथ फैला के किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना। बिल्कुल सही, अपने घर परिवार को भी सपोर्ट करते हैं। माँ बाप के ऊपर ये बोझ नहीं है, नहीं है। जैसे बहुत हैंडीक्राफ्ट को परिवार में मतलब है दृष्टि से देखी जाती है, लेकिन वो सब इनमें नहीं है। बिल्कुल, खुद से कमा रहे हैं ये, एस्टेब्लिश्ड है अपने ऊपर, और ये चाहते हैं कि मैं किसी का बोझ बन के, जब तक हमारी शरीर स्वस्थ है स्वच्छ है, तब तक मैं मेहनत करके अपने जीवन यापन के लिए। आप इनको बचपन से ही जानते हैं? मतलब पहले से समथिंग, हम 11 इयर्स से। 11 अन्नू है ना इनका नाम? हाँ अन्नू। अच्छा अच्छा, तो बाकी लोगों को भी सीखना चाहिए है, जैसे बाकी कुछ लोगों ने काम ही नहीं करते, देखना मतलब स्वस्थ होके भी काम नहीं करते, नहीं करते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। हाँ परजीवी, कि वो शोषण करने वाले होते हैं। हाँ जी हाँ जी। इंसान दो प्रकार के होते हैं, जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जी, खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, और जिंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। ऐसा सही बात है, तो कुछ इनसे भी सीख ली जाती है। हाँ जी हाँ जी, इनसे ज्ञान ली जाती है। पानी पियोगे सोनू? नहीं। लादू? नहीं। सही बात है, मतलब इससे पहले वहाँ पे लगाते हैं शॉप ना, कहीं और? नहीं, मैंने वहाँ लगाते थे। अच्छा, यहीं पे? अच्छा, कभी चौक पे। इनको गुरुदेव से इतनी लगाव है, कभी वहाँ बैठते हैं, कभी यहाँ बैठे, कभी वहाँ बैठे। उस साइड भी लगाते हैं एक दिन में शायद, वहाँ पे दिखता है उस रोड में, वो वाटरफॉल वाले छोटा टेम्पल जो है। हाँ, उस साइड भागसुनाग। हाँ, उस रास्ते में देखा था एक बार मैंने। भागसुनाग भी जाते हैं। हाँ जी जी, ठीक है ठीक है, बढ़िया।
स्ट्रॉबेरी 140 का ना, ये लो एक दे दो, एक ले लो एक पीस ना। अंडे ले लो, अंडे अंदर कर ले लो, ये ले लिया मैंने। ठीक है भाई, बाय बाय। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छे इंसान है और आप देखते हैं मेहनत कर रहे हैं, इतना अपना काम भी कर रहे हैं और घर परिवार भी है, उनको भी पाल रहे हैं। तो हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। इससे पहले मैं इनका वीडियो देखा था हिमाचल वाला के ब्लॉग में। तो अभी यहाँ पे जो दलाई लामा का टेंपल है वहाँ पे आए हैं, तो मैंने इनसे मूँगफली ले ली अभी।